कंडीशंस आगे जाकर जार निकोलस सेकंड के अगेंस्ट, यानी कि कैसे लोगों ने वॉर से तंग आकर जार निकोलस सेकंड को चेंज करने का प्लान बनाया रेवोल्यूशन लेकर। क्यों जार निकोलस सेकंड फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में अपनी कंट्री में वो फैसिलिटीज नहीं दे सका? रशिया के अलावा बाकी कंट्रीज को सपोर्ट कर रहा था लेकिन अपने लोगों को सपोर्ट नहीं कर रहा था, दिस वॉज अ मेन रीजन। ये हमने मेन पढ़ना है, कंडीशन ऑफ रशिया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। या फिर हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं, इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन रशिया। हाँ जी, ईयर कौन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का ईयर? वेरी गुड। कंट्रीज कौन सी? बोलो कौन। फ्रांस, रशिया, वेरी गुड। जर्मनी, ऑस्ट्रिया। हाँ आगे पीछे बोल लो, कोई बात नहीं। ऑस्ट्रिया और जर्मनी। टर्की, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है, ठीक है। एंड विनर कंट्रीज कौन सी थी इसमें से? ब्रिटेन, फ्रांस एंड रशिया। नो डाउट रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में एक जीती हुई कंट्री बनी, लेकिन जब तक 1918 का टाइम आया तब तक जार निकोलस सेकंड चेंज हो गया था। यही हमने स्टोरी पढ़नी है कि हाउ, ठीक है सिद्धांत। अब सेकंड पॉइंट में फिर आपने बताना है एंटी जर्मन सेंटीमेंट। फर्स्ट पॉइंट में ये सारा मैट जो है वो लिखोगे, सेकंड पॉइंट में आपने बताना है एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स, कि रशिया के जो लोग थे वो जर्मनी के अगेंस्ट थे, क्योंकि उस टाइम पर जैसे इंडिया और पाकिस्तान, ऐसे ही रशिया के जो लोग थे उनके मन में जर्मन के लोगों के लिए रिस्पेक्ट नहीं थी। और इसके आपने दो मेन फैक्ट्स, फैक्ट्स का मतलब होता है दो एग्जाम्पल लिखने। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जो रशिया का एक फेमस इंडस्ट्रियल सेंटर था, नेम वॉज चेंज। सेंट पीटर्सबर्ग एक जर्मन नेम था और उसके बाद उसका नेम चेंज करके क्या कर दिया गया? पेट्रोग्राद। नेम ऑफ, या वन मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है, नेम ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग वॉज चेंज एज पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड कर दिया उसका नेम। सेकंड और क्या आपने इसमें बताना है? दैट पीपल ऑफ रशिया दे वर अगेंस्ट द फैमिली ऑफ जार। वो जार की फैमिली से भी इसलिए हेट करते थे बिकॉज जारीना एलेक्जेंड्रा जो जार की क्वीन थी, हाँ वो जर्मनी से थी। एंड वो जर्मन मॉन्क, जर्मन मॉन्क भी सेंट थे, उनका नाम क्या था? रैसपुतिन। उनकी रॉन्ग एडवाइस को फॉलो करती थी, मतलब वो शी फॉलोड रास्पुतिन ब्लाइंडली। अब आप खुद सोचो, इंडिया और पाकिस्तान, एक प्लेयर अगर इंडियन प्लेयर सानिया मिर्जा पाकिस्तानी क्रिकेटर से मैरिज कर लेती है तो उनकी मैरिज में कितनी प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। रीजन क्या है? इंडिया एंड पाकिस्तान, लोगों की थिंकिंग है कि कभी एक नहीं हो सकते। ऐसा ही रशिया के लोगों के मन में जर्मनी के लिए या जर्मन लोगों के लिए जो हेट थी, इसका रिजल्ट क्या निकला? पीपल दे टर्न्ड अगेंस्ट द फैमिली ऑफ जार बिकॉज जारीना एलेक्जेंड्रा शी फॉलोड द रॉन्ग एडवाइस या ब्लाइंड एडवाइस ऑफ रैसपुतिन, जो कि जर्मनी से थे, ठीक है। और लोगों को ये लग रहा था कि उनकी जो क्वीन है वो ही डिफीटेड कंट्रीज या दूसरी जो है एंटी पार्टीज के साथ मिली हुई है, इसीलिए लोगों का ट्रस्ट जो था वो जार की फैमिली के ऊपर से हट गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में। थर्ड ये बताना है आपने सेकेंड पॉइंट में। थर्ड में आप बताओगे कैजुअलिटीज। कैजुअलिटीज क्या होती है वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में? जो डिस्ट्रक्शन, थर्ड पॉइंट में आपने बताना है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन एंड डेथ, ठीक है। डिस्ट्रक्शन एंड डेथ मतलब बच्चे, जब भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई या जब भी वर्ल्ड वॉर होती है तो वर्ल्ड वॉर में क्या होता है? दोनों कंट्रीज एक दूसरे पे बॉम्बार्डमेंट करती हैं, सोल्जर्स की डेथ होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रीज के ऊपर ब्लास्ट होता है। तो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि वॉर सिर्फ एक कंट्री को नहीं बल्कि दोनों कंट्रीज को अफेक्ट करती है। हमने थर्ड पॉइंट में बताना है लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन। इसमें हम क्या बताएंगे? मोर देन 7 मिलियन पीपल डाइड रशिया में। हमने रशिया का लॉस बताना है, मोर देन 7 मिलियन पीपल डाइड इन रशिया ड्यूरिंग दिस टाइम, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं वॉर का टाइम पीरियड। मोर देन 7 मिलियन पीपल दे डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड, ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। एंड फिर आपने बताना है दैट मेनी गॉट इंजर्ड। इंजर्ड का मतलब होता है कि ब्लास्ट में कई बार इंजर्ड भी हो जाते हैं, ठीक है। वट एवर जो भी है उनकी प्रॉब्लम जो भी है वो आपने बताना है। मैनी गॉट इंजर्ड एंड अटैक ऑन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। अटैक ऑन इंडस्ट्रीज का मतलब है बॉम्ब ब्लास्ट हुए, इंडस्ट्रीज जो है वो खराब रुइन हो गई, मतलब फैक्ट्रीज ब्लास्ट हो गई, और जिसका लॉस जो है वो रशिया में मेन हुआ। जस्ट करन आप सीट चेंज करो बेटर, मुझे लग रहा है कि शायद कोई बोल रहा है।
कौन बोल रहा है? नहीं बोले? हाँ जी, लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन 700 आपने बताना है, मोर देन 7 मिलियन पीपल डाइड एंड अटैक ऑन इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। आप खुद सोचो वर्ल्ड वॉर के टाइम पीरियड में जब इंडस्ट्रीज के ऊपर अटैक हुआ, एग्रीकल्चर सेक्टर सारा खराब हो गया, क्रॉप्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई, तो इंटरनल कंट्री की कंडीशन क्या होगी? वर्कर्स देवर नॉट गिवन सैलरीज, देवर नॉट गिवन एम्प्लॉयमेंट, और जो फार्मर्स थे देवर फेसिंग फूड शॉर्टेज। फार्मर्स को लग रहा था कि क्रॉप्स प्रॉपर नहीं होंगी, और किसी ने नहीं सोचा था कि वॉर इतना लंबा चलेगा। टाइम पीरियड जो 1914 से लेकर 1918 तक का टाइम पीरियड, आप खुद सोचो कि एक साल कोविड का टाइम पीरियड कितना ज्यादा लोगों के लिए फेस करना मुश्किल था। लॉकडाउन के टाइम पीरियड में लेबर्स किस तरह से मास माइग्रेशन हुई थी, पंजाब से कितने लोग पैदल गए यूपी बिहार की तरफ, एंड मैनी इवन डाइड आल्सो ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। एंड इवन फैमिलीज, जिन फैमिलीज को कंपनसेशन नहीं मिला उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, कितना उनके साथ बुरा हाल। लेकिन ये टाइम था 1914 से लेकर 1918। प्रॉब्लम वॉज देयर दैट पीपल दे वर नॉट सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट एट ऑल। उनकी अपनी गवर्नमेंट, फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती तो गवर्नमेंट आंसरेबल होती और गवर्नमेंट उनको फैसिलिटीज देती, लेकिन इनके साथ रशिया के लोगों के साथ कुछ भी नहीं हुआ। बजाय कि जार लोगों को सपोर्ट करता, जार वॉज गिविंग हेल्प टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। दिस वॉज द मेन प्रॉब्लम। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर मैं थर्ड पॉइंट में आपने ये बताना है दैट मैनी पीपल दे वर किल्ड, मैनी गॉट इंजर्ड, इंडस्ट्रियल सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड। नेग्लेक्टेड का मतलब है कि बजाय जार जो है वो वर्कर्स को जॉब एम्प्लॉय करते या फार्मर्स को हेल्प देते, देवर गिविंग हेल्प टू, देवर गिविंग फाइनेंशियल हेल्प टू ब्रिटेन एंड फ्रांस। एंड मोस्टली मैंने आपको ये भी बताया था कि अब गवर्नमेंट की सारी जो अटेंशन थी वो किसके ऊपर थी? टू प्रोड्यूस वॉर रिलेटेड गुड्स। और उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में गवर्नमेंट को या सोल्जर्स को जो भी चाहिए था उसके लिए मेन प्रोडक्शन हो रही। थर्ड पॉइंट ये हुआ। देन लिखोगे आप फोर्थ पॉइंट, रिफ्यूजीज। 3 मिलियन रिफ्यूजीज बिकेम होमलेस। रिफ्यूजीज का मतलब होता है जिनके घर जो है वो ब्लास्ट हो जाते हैं। अब रशिया के ऊपर जब अटैक हुआ, यानी कि जर्मनी, हंगरी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की जो है वो ब्रिटेन के ऊपर भी अटैक कर रहे थे, फ्रांस में भी अटैक कर रहे थे, रशिया में भी अटैक हुए उस टाइम पीरियड में, और इन अटैक्स में लोगों के घर जो है वो ब्लास्ट, यानी कि जो है वो खत्म हो गए। रिफ्यूजीज का मतलब होता है जो होमलेस हो गए। मोर देन 3 मिलियन पीपल दे बिकेम रिफ्यूजीज। रिफ्यूजीज का मतलब होता है होमलेस। एंड गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ शेल्टर। गवर्नमेंट इनको किसी भी तरह से शेल्टर नहीं दिया, और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में ये जो लोग थे ये रोड्स में या आसपास के एरियाज में, फॉरेस्ट एरियाज में रहने को मजबूर हुए। तो ये सारी कंडीशन उस टाइम पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थी, ठीक है। देन रोड्स एंड बिल्डिंग्स ब्रोक डाउन, रेलवे लाइंस ब्रोक डाउन। रेलवे लाइंस ब्रोक डाउन का मतलब होता है जब ब्लास्ट होता है तो रेलवे लाइंस के ऊपर जब ब्लास्ट होगा तो ऑटोमेटिकली रेलवे लाइंस कि जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगी, एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन पे इसका इफेक्ट पड़ा, ठीक है। मैनी पीपल दे वर अफेक्टेड विद द ब्रोकडाउन ऑफ रेलवे लाइंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। ये सारा आपने ड्रॉबैक लिखना है। लास्ट में लिखोगे आप सोल्जर्स वर आल्सो फेड अप फ्रॉम द वॉर। आप खुद सोचो लॉकडाउन के टाइम पीरियड में हमारे, हम कहते हैं ना कि वॉरियर, फ्रंटलाइन वॉरियर कौन से थे? डॉक्टर्स। तो डॉक्टर्स ने कितना सैक्रिफाइस किया आप लोगों को शायद नहीं पता। मेन जो डॉक्टर फैमिलीज हैं उनको पता होगा कि किस तरह से उन्होंने 14 डेज फॉर एग्जांपल कोविड पेशेंट की अगर वो हेल्प करते हैं तो किस तरह से वो घर नहीं आते थे, और कैसे उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स में रहकर या कहां पे भी रहकर उन्होंने प्रॉपर सर्विस की। ऐसे ही 1914 से लेकर 1917 तक एटलीस्ट सोल्जर्स दे वर बिजी इन द फ्रंट एरिया बॉर्डर एरियाज एंड दे वर फेड अप फ्रॉम द वॉर। उनकी मेन डिमांड क्या थी कि वॉर टू बी क्लोज, वॉर को क्या कर दिया जाए, बंद किया जाए। जार निकोला सेकंड कुछ ऐसी ट्रीटी या कुछ ऐसा करें कि वॉर बंद हो जाए ताकि सोल्जर अपने अपने घरों में वापस आ सके। तो ये अपने फिफ्थ पॉइंट में बताना है दैट सोल्जर्स दे वर आल्सो फेड अप बिकॉज दे वर आल्सो फेसिंग एक्सट्रीम वेदर, ठीक है। कोल्ड क्लाइमेट वॉज देयर बॉर्डर एरियाज में, बट एट दैट टाइम वॉर जो है वो बंद नहीं हुई। सो दिस वॉज अ रीजन मैनी पीपल दे वर आल्सो फेड अप ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर विद द पॉलिसीज ऑफ जार निकोलस सेकंड। फिर से चैतन्य फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखोगे अगर ये आता तो? कंट्रीज के नेम, ठीक है, ईयर, और आपने बताना विनर कंट्रीज कौन सी थी। सेकंड में क्या बताओगे? एंटी जर्मन, वेट, हाँ जी रितिका, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स में क्या बताओगे बेटा?
एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स का मतलब है कि लोग रशिया के लोग जर्मनी के अगेंस्ट थे, तो इसके दो फैक्ट्स बताने हैं। नंबर वन, किसका नेम चेंज किया? रितिका, सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके क्या कर दिया? पेट्रोग्रेड। एंड वो किसको हेट करते थे? जारीना अलेक्जेंड्रा। जारीना मतलब क्वीन, अलेक्जेंड्रा उसका नाम था, बिकॉज शी फॉलोड द रॉन्ग एडवाइस ऑफ रास्पुतिन। ठीक है, लोगों को लगता था कि जो जारीना है वो दूसरी कंट्रीज का मिलकर अपनी कंट्री पे अटैक करवा रहे। ठीक है, देन थर्ड, कैजुअलिटीज एंड डिस्ट्रक्शंस। लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन आपने 7 मिलियन पीपल बताना है, दे डाइड, एंड इवन एग्रीकल्चर सेक्टर, फार्मिंग सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर वॉज टोटली नेग्लेक्टेड, एंड मेन कंसंट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट वॉज टू प्रोड्यूस ओनली वॉर रिलेटेड गुड्स। ठीक है, फिर आपने नेक्स्ट बताना है रिफ्यूजीज, प्रॉब्लम ऑफ रिफ्यूजीज वर देयर, दे बिकेम होमलेस, बट गवर्नमेंट वॉज नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ कैंप्स एंड शेल्टर्स टू दीज पीपल। हाँ जी, इसके बाद आपने बताना है प्रॉब्लम ऑफ सोल्जर्स, दे वर लिविंग इन द कोल्ड वेदर कंडीशन, एक्सट्रीम वेदर। एंड अच्छा, जब ये सारी कंडीशन, ये तो चलो फिर भी टॉलरेबल था, सबसे वर्स्ट कंडीशन क्या थी? सबसे वर्स्ट कंडीशन, चीजें नहीं बन रही हैं इंडस्ट्रीज में, चीजें नहीं बन रही हैं, क्रॉप्स नहीं आ रही, तो उसका रेट क्या हो गया? हाई। एक तरफ शॉर्टेज और प्राइस वर वेरी हाई। लास्ट में आपने ये लिखना है, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर वेदर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कंडीशन, शॉर्टेज ऑफ फूड लीड टू इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ नेसेसिटी आइटम्स, और ये मेन रीजन बना दैट मेनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन। लोग भूख से मर रहे थे क्योंकि गवर्नमेंट उनको खाना नहीं दे रही थी, गवर्नमेंट किसी भी तरह से लोगों को फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड कर रही थी, दे वर फेसिंग दीज काइंड ऑफ एक्सट्रीम कंडीशंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्लियर कर लोगे बच्चे ये? धैर्य, विल यू बी एबल टू राइट? चांदा बेटा, आपने मुझे हिंट बताने हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, सिर्फ कंट्रीज नेम, ठीक है? ठीक है, सेकंड आपने बता दिया रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम थी, आपने हर पॉइंट में आपका ये क्लियर होना चाहिए दैट दे वर नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स व्हाई मेनी पीपल दे बिकेम रेडी फॉर रेवोल्यूशन। इसीलिए हमने बताना है कि लोगों ने रेवोल्यूशन क्यों किया, एक्सट्रीम कंडीशन बतानी है। थर्ड, ठीक है, डिस्ट्रक्शन बता दो। हाँ जी, फोर्थ, ठीक है, एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स बता दो, और प्रॉब्लम ऑफ सोल्जर्स, दे वर लिविंग इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बॉर्डर एरियाज, एंड दे वॉन्टेड टू कम बैक, वापिस आना चाहते थे, वॉन्टेड टू स्पेंड लाइफ विद देयर फैमिलीज, बट होपलेस था सारा कुछ क्योंकि ज़ार निकोलस वॉज नॉट टेकिंग एनी एक्शन। ठीक है, तो ये सारा आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बताना। एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? हाँ जी, क्लियर? अच्छा, फिर से टाइमलाइन याद करो, हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है 1905 से पहले हमने क्या किए, कॉजेस स्ट्रिप्स पे रखो, पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज, सोशल कॉज, डिफरेंट ग्रुप्स, डिफरेंट पार्टीज। पॉलिटिकल कॉज में रूलर का नेम, पार्टी का नहीं, कंट्री की टाइप ऑफ गवर्नमेंट बतानी, ऑटोक्रेटिक, नो पॉलिटिकल राइट्स, एंड क्रिश्चियनिटी, रिलीजन क्या था मेन? क्रिश्चियनिटी। इकोनॉमिक कंडीशन में क्या बताना है? 85% फार्मर्स, 15% इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, एंड सिटीज के नेम, दो तीन सिटीज के नेम बता दो, सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को। मेजर प्रॉब्लम क्या थी इकोनॉमिक की? क्या थी इकोनॉमिक प्रॉब्लम? लो वेजेस एंड वर्किंग आवर्स वर वेरी लॉन्ग। सोशल कॉज में डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मेन एंड वुमेन, वुमेन वर पेड लेस। How many percentage of women worked in factories? 31. Different groups, तीन चार groups के नाम बताओ, socialists, liberals, radicals, conservatives. हमने ये main बताना है, country was divided according to ideology के according divided थी, and that's why many people they wanted to bring changes and they brought revolution. Antaskaran, what is the main difference between liberals and radicals? Baki sari baaton mein radicals liberals ke saath agree karte the, lekin ek point mein unke beech mein differences the. What was the main idea? Liberals didn't believe in universal adult franchise, but radicals supported voting rights to women suffrage. Suffrage ka matlab kya hota hai? Right to vote. Theek hai? उसके बाद लास्ट में बताना है पॉलिटिकल
पार्टीज, एक बता दोगे एसडीपी, एक बता दोगे रेवोल्यूशनरी पार्टी। हाँ जी, रेवोल्यूशनरी पार्टी गॉट डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स, विच? वेरी गुड, बोल्शेविक। सेकंड इज मेंशेविक। बोल्शेविक के लीडर लेनिन, मेंशेविक के केरेंस्की। ठीक है, तो ये सारा है हमारा कॉजेस। बैठ जाओ। 1905 लबन्या, 1905 ब्लडी संडे में हमने मेन फाइव पॉइंट्स बताने हैं। उन पॉइंट्स के मेन आपने वर्ड्स याद रखो, कौन कौन से वर्ड्स। फर्स्ट, ब्लडी संडे इंसिडेंट 1905 में फर्स्ट बताओगे आप, कॉजेस। वेरी गुड, यस। पीछे पिछले क्वेश्चन से ही हमने इकोनॉमिक कॉजेस को समअप करके आगे ले आना। फर्स्ट पॉइंट बन गया आपका इकोनॉमिक कॉजेस। सेकेंड, मेन इवेंट, फैक्ट्री का नेम, प्यूटिलॉग आयरन वर्क्स फैक्ट्री, हाउ मेनी वर्कर्स डिसमिस? फोर। ठीक है, व्हाई? दे डिमांडेड फ्रीडम, दे डिमांडेड हाई वेजेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लाइन। हाँ ठीक है, चलो डिमांड्स इसमें आपने लिख दिया। और उसके बाद हु वाज अ लीडर? फादर गैपो, जी ए पी ओ एन, चर्च, चर्च सोसाइटी से रिलेटेड थे, बट दे हैड अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर दीज वर्कर्स, सो दैट्स व्हाई ही लीडेड द प्रोसेशन, सॉरी। हाँ, पैलेस का नेम क्या था? विंटर पैलेस। देयर दे गैदर्ड, व्हाट दे वर अटैक्ड बाय द पुलिस, मैनी गॉट किल्ड एंड मैनी गॉट इंजर्ड। ओके, बाद में आफ्टर टू थ्री वीक्स ये जो प्रोसेशन था या जो भी प्रॉब्लम आई इसके कारण मैनी पीपल दे गॉट स्ट्राइक, फैक्ट्रीज को बंद कर दिया गया, एंड मार्केट में हर तरफ जो लोग थे वो किंग के अगेंस्ट थे, तो किंग ने उनको पैसिफाई करने के लिए क्या किया, ही गेव परमिशन टू फॉर्म पार्लियामेंट नेम ड्यूमा। ओके, पहली ड्यूमा को कितने दिन के बाद? 75 डेज के बाद ड्यूमा बनी। दूसरी ड्यूमा को कितनी देर के बाद कर दिया? 3 months। और लास्ट वाले ड्यूमा में क्या पैक कर दिया? कंजर्वेटिव्स। पैक मतलब कि सारी की सारी ड्यूमा में जो मेन मेंबर्स थे वो कौन थे? कंजर्वेटिव। तो जितने भी हमने सारे ग्रुप पढ़े उनमें से कोई भी नहीं था, सिर्फ कौन रह गए? कंजर्वेटिव। तो ऑलरेडी किसको सपोर्ट कर रहे थे? किंग को। तो इट वॉज अ पपेट पार्लियामेंट इन द हैंड्स ऑफ ज़ार निकोलस। क्या ज़ार निकोलस सेकेंड ने रशिया को वॉर स्टेट डिक्लेयर करने से पहले ड्यूमा की एडवाइस ली? नो। ठीक है, तो ड्यूमा काइंड ऑफ ड्यूमा बनी भी, पार्लियामेंट बनी भी, लेकिन उसकी कोई भी अप्रूवल नहीं। ये था सारा 1905। इसके बाद 1905 के बाद कंट्री में या वर्ल्ड में कंडीशन हो रही थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए, कंट्रीज वो ग्रुपिज्म बनाने में लग गई, एंड इन द मीन टाइम 1905 से लेकर 1914 तक कंट्री में किसी भी तरह से ज़ार निकोलस ने लोगों को सपोर्ट नहीं किया, लेकिन कोई रेवोल्यूशन प्लान नहीं हो पाया क्योंकि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आर्मी का और पुलिस का कंट्रोल बहुत ज्यादा था। ठीक है, लेकिन 1917 में एक्सट्रीम कंडीशन वो आई जिसमें हर ग्रुप, चाहे वो फार्मर्स थे, चाहे वो पुलिसमैन थे, चाहे वो सोल्जर्स थे, दे टर्न्ड अगेंस्ट ज़ार निकोलस। सो दिस वॉज द मेन रीजन वाई मैनी पीपल दे ब्रॉट रेवोल्यूशन। तो अब हमने नेक्स्ट पढ़ना है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का टाइम पीरियड। ये हम टाइम पीरियड पढ़ेंगे 1917, जिसमें हमने सबसे पहले करना है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। दस्तर की तरह देना है। हाँ जी बच्चे, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन आपको सबसे पहले ये याद रखना है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लीडर कौन थे? केरेंस्की। पहले टाइम पीरियड याद रखो, टाइम पीरियड कौन सा था? 1917 फेब्रुअरी, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर अभी चल रही थी। ठीक है, ये है फेब्रुअरी रेवोल्यूशन, और फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को लीड कौन सी पार्टी ने किया? पहले पार्टी का नेम याद रखो, मेंशेविक। मेंशेविक पार्टी के लीडर कौन थे? केरेंस्की। ठीक है, और 1917 के ईयर को याद रखने के लिए आपको 2-3 इंपॉर्टेंट डेट्स याद रखनी है। सबसे पहले यू विल नोट डाउन द इंपॉर्टेंट डेट, 22nd फेब्रुअरी। 22nd फेब्रुअरी क्या हुआ? 22nd फेब्रुअरी को सबसे पहले आपने स्टार्ट यहां से करना। सपोज मैं आपसे ये पूछती हूँ, व्हाट डू यू नो अबाउट द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन? अच्छा, क्वेश्चन देखो कितनी तरह से क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसको बाद में कर लेना।
सिंपल क्वेश्चन है, राइट अ नोट ऑन फेब्रिज रेवोल्यूशन, ये तो सब बच्चों को समझ आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन स्टेटमेंट कैन बी चेंज, विच कंडीशंस लीड टू फॉल इन ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी, तो भी आंसर सेम ही रहेगा। मैं फिर से आपको बता दूं, विच कंडीशंस लेड टू फॉल इन ज़ारिस्ट ऑटोक्रेसी, कौन सी कंडीशंस थी जिसके कारण ज़ार की ऑटोक्रेसी खत्म हो गई। इसमें भी हमने यही बताना है कि फेब्रुअरी रेवोल्यूशन मेन रीजन क्या था, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। थर्ड, राइट अ नोट ऑन पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन, इसका मतलब क्या है कि सेंट पीटर्सबर्ग का नेम चेंज करके क्या किया गया था, पेट्रोग्रेड, और ये रेवोल्यूशन कौन सी जगह पे हुआ, पेट्रोग्रेड, इसीलिए इसको फेब्रुअरी रेवोल्यूशन को क्या बोलते हैं, पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन। क्लियर? तो तीन चार तरह से क्वेश्चन स्टेटमेंट चेंज हो सकती है, लेकिन आपने अल्टीमेटली आंसर यही बताना है, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन। फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट आप याद रखोगे 22 फेब्रुअरी। क्या हुआ 22 फेब्रुअरी को, इस अब पिछला क्वेश्चन हमारा खत्म हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लेकिन हमने उसी के कुछ पॉइंट्स को आगे ले लेना। हमने ये बताना है द मेन रीजन ऑफ फेब्रुअरी रेवोल्यूशन वॉज एक्सट्रीम प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द रशियन पीपल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी उनको, मैनी पीपल दे डाइड ऑफ स्टारवेशन, prices of goods were very high, shortage of food was there, food grain was there, and workers were not getting employed, they were not getting employment, low wages of workers. It means हमने first world war के जो भी पिछला question था उसको short में हमने first point पहले बताना, हमने सीधा ही February revolution से start नहीं करते ना, हमने थोड़ी introduction बतानी है again। हाँ जी, सपोज आपसे मैं ये पूछती हूँ कि बेटा राइट अ नोट ऑन पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन, तो आपने सबसे पहले क्या बताना है, फर्स्ट द मेन रीजन ऑफ पेट्रोग्रेड रेवोल्यूशन वाज द एक्सट्रीम कंडीशन फेस्ड बाय द रशियन पीपल ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। कौन सी एक्सट्रीम कंडीशन थी, तीन चार एक्सट्रीम कंडीशन याद रख लो, कौन कौन सी, शॉर्टेज ऑफ फूड, प्राइजेस वर वेरी हाई, ठीक है। थर्ड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर टोटली नेग्लेक्टेड बाय द किंग and people of Russia, they were not given any kind of facilities by the Tsar Nicholas II. ठीक है, many people they died of starvation. ये main आपने reason बताना, ठीक है। अब second reason आप start करोगे 22nd February से, जो main event कब से start होती है, 22nd February. कई बच्चे ना 1905 और February के revolution को same कर देते हैं, वो बताते हैं कि that put, 4 members were dismissed from the Putilov iron works factory. ये सारा आंसर क्या हो जाएगा, wrong, क्योंकि आपने क्या एक्सप्लेन कर दिया, 1905 का टाइम एक्सप्लेन कर दिया। आपने क्या बताना है, that 22nd February को क्या हुआ, फैक्ट्रीज में ना लॉकआउट, लॉकआउट का मतलब क्या होता है, जब फैक्ट्रीज में काम ही नहीं हो रहा, वर्कर्स के पास देने के लिए गवर्नमेंट के पास या लोगों के पास सैलरीज नहीं है, तो ऐसे में जो कैपिटलिस्ट होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो क्या करते थे, फैक्ट्रीज को बंद कर देते। लेकिन वर्कर्स क्या चाहते हैं, वर्कर्स चाहते हैं कि हम तो काम करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब जैसे कोविड के टाइम में क्या हुआ था, यू नो मेनी पीपल देवर गिवन, क्या कह रहे हो,